हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। चलिए बना लेते हैं कुछ स्वीट डिश। सबको खाने का बड़ा ही मन था सूजी का हलवा, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बना ही देती हूँ सूजी का हलवा। तो बस एक पैन में यहाँ मैंने घी ले लिया है। घी यहाँ पर 250 ग्राम ले रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट मेरे मनपसंद के ले रही हूँ, आप अपने मनपसंद के ले सकते हैं। थोड़े से हम गार्निश करेंगे इसीलिए थोड़े ही यहाँ पर मैंने डाले हैं। बस अब यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम सूजी। इसका प्रपोर्शन ये होता है कि अगर आप 1:2 होगा, यानी घी आपका 100 ग्राम है तो 200 ग्राम आपका सूजी होगा। तो इस तरह से इसे डाल देंगे, डाल के उसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो इसे जब आप भूनेंगे ना तो लगातार आपको भूनना है, नहीं तो नीचे से वो जल जाएगा। रवा बहुत ही जल्दी जल जाता है, तो रवे को जैसे ही आप घुमाते ही रहना होगा, आपको हाथ रोकना नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भून रही हूँ और ये जब तक गोल्डन नहीं हो जाता ना तब तक इसे चलाते ही रहेंगे। बीच बीच में हम एक एक फ्रैक्शन के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। अब ये डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, यानी कि ये जो बुरादा आता है नारियल का वो डाल दिया है मैंने। तो ये ना एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना देता है, तो एक बार ज़रूर इस तरह से मेरे स्टाइल में बनाइए हलवा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में और बार बार बनाएंगे। एक पिंच मैंने यहाँ सॉल्ट डाला है, ये बहुत ही अच्छा बैलेंस कर देता है। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है और लेकर के ये कभी भी हलवा बनाए तो पानी गुनगुना ही ले, या फिर आप शुगर को भी पानी में डाल करके चाशनी बना सकते हैं। यहाँ मैंने केसर थोड़े से मिक्स किए थे, केसर में थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो ये इस तरह से हम डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ चीनी डाल रहे हैं, चीनी भी स्वाद अनुसार डालना है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको शुगर फ्री भी नहीं पसंद है तो आप जैगरी यानी गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाता है। एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर करें आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है, तो ये बहुत ही फीका लग रहा था तो थोड़ा और हल्का सा डाल दिया है। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से हलवा बनाने में। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम ढक करके 5 मिनट के लिए इसको बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से सूजी है ना पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो बस इसे मिक्स करके अच्छे से ढक दीजिए, बस 5 मिनट के लिए इसे ढकिए। ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से पानी को पूरे से सोख लिया है और सूजी भी तैयार हो गई है, हलवा खाने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। बहुत ही खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। बहुत हाई डिमांड था फैमिली से तो मैंने बनाया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस रेडी है मेरा हलवा, शाही हलवा बन चुका है। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कोकोनट लिए हैं, ड्राई फ्रूट लिए हैं और क्रैनबेरी लिए हैं। अगर आपको क्रैनबेरी नहीं अच्छी लगती है तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना किशमिश इतनी पसंद नहीं आती है सूजी के हलवे में, तो मैं क्रैनबेरी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से बनाइए, खाइए और अपने अपने जो भी अनुभव है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू डियर्स ऑल।